रेनॉल्ट लॉन्च करने जा रहा है अपनी 7-सीटर इंडिया में। क्या ये डस्टर का 7-सीटर वेरिएंट होगा या फिर एक बिल्कुल न्यू कार होगी? सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डीवी कार एंड बाइक की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सुभाषिन और आज हम बात करने जा रहे हैं रेनॉल्ट की नई 7-सीटर एमपीवी के बारे में जो की जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है। बेसिकली डासिया कंपनी ने यूरोप में अपनी नई 7-सीटर एमपीवी जॉगर लॉन्च करी है। 1999 में रेनॉल्ट ने डासिया कंपनी को खरीद लिया था। सो एक्सपेक्टेड है सेम कार इंडिया में भी लॉन्च होगी। नौ बात करें इस कार के बारे में, तो सबसे पहले इसमें आपको वाई शेप्ड के एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। साथ ही जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो आपको रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिल जाएंगे। नौ इसी के साथ अगर बात करें इसके बम्पर की, तो इसके बम्पर में बहुत ही ज्यादा ब्लैक कलर का यूज किया हुआ है एंड जो इसकी फॉग लैंप है उसके आसपास भी आपको ब्लैक कलर का अच्छा खासा पैच देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं पर बात करें अगर इसकी ग्रिल की, तो उसके जो ग्रिल है उसमें आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल जाएगा। बेसिकली वहां पर आपको दो पैचेस दिए गए हैं जहां पे उन्होंने ग्रिल पर क्रोम का वर्क किया हुआ है। साथ ही जो इसका लोगो है वो भी आपको क्रोम में देखने को मिल जाएगा। नाउ अगर आप इसके लुक्स को देखेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड लगेगी ट्राइबर से, एज जो इसकी रूफ लाइन है वो बिल्कुल सेम लगती है ट्राइबर की तरह। एंड वहीं पर अगर आप इसके व्हील आर्चेस और शोल्डर लाइन देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये डस्टर से मैच होते हुए दिखेंगे। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि दोनों ही कार से इंस्पायर्ड होकर इसका डिजाइन बनाया गया है। नाउ अगर रियर साइड की बात करें, तो जिसको रियर साइड है वो काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है। सबसे पहले तो वो आपको पीछे से बिल्कुल प्लेन देखने में मिलेगा। साथ ही जो इसकी एलईडी टेल लाइट्स हैं वो आपको वर्टिकल शेप में दी गई हैं एंड वो बाहर की तरफ हल्की सी टिल्ट हुई हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा यूनिक आपको देखने में लगेंगे। एंड साथ ही जो ब्लैक ग्लॉस किनर की फिनिशिंग दी गई है वो भी अच्छी लग रही है देखने में। एंड अगर आप इसके बम्पर की बात करेंगे, तो जो इसका रियर साइड का बम्पर है वहां पर भी आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही वहां पर आपको स्किड प्लेट भी देखने को मिल जाएगी। एलईडी टेल लाइट्स के पास आपको टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करें अगर इसके मेजरमेंट्स की, तो ये कार बहुत ही ज्यादा स्पेशियस होने वाली है, एज जो इसकी लेंथ है वो 4.5 मीटर है। एंड वहीं पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी आपको 200 mm की मिल जाएगी। सो बेसिकली आपको इसमें अच्छे खासा एक ऑफ रोड का टच भी दिया गया है, जो कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं डस्टर से इंस्पायर्ड है। आपको इसमें स्पेस भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो 4.5 मीटर है। वहीं पर बात करूं अगर मैं इसके अलॉय व्हील्स की, तो इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे जो कि ब्लैक कलर के हैं। एंड साथ ही जो इसकी रूफ लाइन है उसमें भी आपको ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। नाउ अगर बात करें इसके डोर हैंडल्स की, तो आपको इसके डोर हैंडल्स में क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इंटीरियर में जाएंगे तो आपको वहां पर एक रेड स्टिचेस देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें आपको 8 इंच की टच स्क्रीन भी दी गई है जो कि आपको इसके टॉप ट्रिम में देखने को मिल जाएगी। वहीं पर इसका जो सेंटर कंसोल है वो भी बहुत ही ज्यादा डिसेंट सा रखा गया है, लाइक आपको जो वो पूरा का पूरा मैच होता है वो दिखेगा इंटीरियर से। अब बात करें फीचर्स की, तो इसमें आपको रिवर्स कैमरा, क्लाइमेट कंट्रोल, स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, ऐसे जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। नाउ अगर इसकी स्पेस की बात करें, तो डेसिया का कहना है कि उन्होंने इसके अंदर 24 लीटर की स्पेस दिया। लाइक अगर आप इसके डोर बिन्स की बात करें, आप ग्लव बॉक्स की बात करें, आर्मरेस्ट के नीचे जो स्पेस दी गई होती है उसकी बात करें, सो बेसिकली जो टोटल स्पेस आपको अंदर मिलेगी कार के वो मिलेगी 24 लीटर। जब आप एक 7-सीटर लेते हैं तो आपको स्पेस की काफी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब 7 लोग जाते हैं फैमिली के, तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी सामान रखने ही पड़ते हैं, तब ये स्पेस अच्छी खासी काम आ सकती है। एंड वहीं पर बात करूं अगर मैं इसकी बूट स्पेस की, तो अगर आपकी सारी ही सीट्स अनफोल्ड हैं तब आपको इसमें 160 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी। एंड लेट्स से जो आपकी थर्ड रो आप उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो आपको इसमें बूट स्पेस आ जाएगी वो आ जाएगी 565 लीटर की। जॉगर का आपको 7-सीटर एंड 5-सीटर दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जॉगर के अगर आप 5-सीटर वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो इसमें आपको 708 लीटर की स्पेस देखने को मिल जाएगी बूट के अंदर, तो ये काफी ज्यादा स्पेस हो जाती है। तो वहीं पर बात करें अगर कंफर्टेबल कितना आप होंगे इसके थर्ड सीट में, तो एज मैंने आपको बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 4.5 लीटर है, तो अच्छी खासी लेंथ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। एंड इसी के साथ साथ जो थर्ड सीट है उसमें आपको आर्म रेस्ट भी दिया गया है, सो बेसिकली आपको जो कंफर्टेबल है वो थर्ड सीट काफी ज्यादा होने वाली है। नाउ बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की, बेसिकली हमें कौन कौन से इंजन मिलने वाले हैं। तो अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में आपको एक्सपेक्टेड है 2 इसमें इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, साथ ही इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन रहेगा। बट एज अभी जो डस्टर है वो सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस कार में भी हमें सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शंस देखने को मिले। नाउ बात करें कि कब तक लॉन्च हो सकती है ये कार इंडिया में, तो 2022 के फर्स्ट या फिर सेकंड क्वार्टर में आपको ये देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर इसके प्राइस की बात करें, तो यूरोप में जो ये लॉन्च हुई है वो हुई है 13 लाख, अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद देखें तो। जैसे वहां पे आपको सेफ्टी के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है वहां पे, तो इस वजह से भी इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। अगर इंडिया में बात करें, तो मे बी पॉसिबल है कि ये
XL6 के प्राइस में हमें देखने को मिल जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 9.5 लाख या फिर 10 लाख से इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो ये वीडियो थी डेसिया जॉगर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।